हे टेक लवर्स, आपका स्वागत है मोबाइल फंडा के एक और नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 13 प्रो 5G के लेटेस्ट अपडेट हाइपर ओएस 2.0.4.0 के बारे में, जिसे मैं पिछले 5 दिनों से यूज़ कर रहा हूं। साथ में ये भी जानेंगे कि क्या इस अपडेट को इंस्टॉल करना सेफ है या नहीं। तो अगर आप भी Redmi Note 13 Pro 5G या फिर Poco X6 5G यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, बात करें इस Redmi Note 13 Pro 5G के न्यू अपडेट की, तो यह अपडेट का साइज 845 MB का है और इसकी वर्जन हमें 2.0.4.0 देखने को मिलेगी। वहीं इस अपडेट के रिव्यू के तरफ आए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैटरी बैकअप से, जो कि मुझे काफ़ी कम लगी अगर मैं पिछले अपडेट से कंपेयर करूं, और ख़ास करके 5G पे इंटरनेट शेयरिंग पे तो काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन देखने को मिली है। वहीं चार्जिंग स्पीड के मामले में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है, मतलब कि वही 50-55 मिनट्स में फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है अगर फ्लाइट मोड या फिर 4G पे चार्ज किया जाए। नेक्स्ट बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे भी थोड़ी लैग देखने को मिली है, खास करके फर्स्ट टाइम ऐप ओपनिंग में, क्योंकि जो ऐप ओपनिंग का रेस्पॉन्स है उसमें थोड़ी डिले देखने को मिलती है। हालांकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि टास्क बार में जो ऐप ओपनिंग की रेस्पॉन्स है उसमें थोड़ी मुझे इम्प्रूवमेंट लगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस अपडेट। हालांकि अभी भी इसमें कुछ कुछ ऐप्स अभी भी ऐप ओपनिंग में डिले देखने को मिलती है। वहीं जो हीटिंग इशू है इस अपडेट के बाद, तो वो नॉर्मल यूसेज के टाइम पे भी थोड़ी हीटिंग महसूस होती है, और अगर 5G पे हॉटस्पॉट शेयर किया जाए तो ये टेम्परेचर 43 से 45 डिग्री के आसपास चली जाती है। तो यहाँ पे हमें इस अपडेट में हीटिंग इशू देखने को मिली है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो मेजर बग इस अपडेट में देखने को मिली है वो है एनिमेशन, फिर चाहे वो कंट्रोल सेंटर की एनिमेशन हो या फिर ऐप फोल्डर। वैसे HyperOS 2.0 में यह काफ़ी स्मूथली काम कर रहा था, बट इस अपडेट के बाद इसे ओपन करने पे यह डायरेक्टली ओपन हो जाता है, जिसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। वैसे एक और बात, फोल्डर ओपनिंग के एनिमेशन भी यहाँ पे थोड़ी फीकी सी लगी अगर मैं पिछले अपडेट से कंपेयर करूँ। हालांकि अभी मैंने यहां पे कस्टम थीम अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट बात करें कैमरे की, तो यहां पे भी हमें कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। हालांकि मुझे लगता है कि फ्रंट कैमरा की क्वालिटी और थोड़ी डिग्रेड हो गई है अगर मैं पिछले अपडेट से कंपेयर करूं। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो या ऐप क्रैश, तो इसमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉल्यूम एक्सपीरियंस, कनेक्टिविटी या फिर 5G फ्लक्चुएशन पे कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिले हैं, मतलब कि पिछले अपडेट में जैसे थे वैसे ही इस अपडेट में भी देखने को मिलेंगे। तो फिर ये थी HyperOS 2.0.4.0 अपडेट रिव्यू ऑन Redmi Note 13 Pro 5G। बाकी इनके अलावा अगर आपने कुछ और नोटिस किया हो तो नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।